हाल में सोशल मीडिया पर अभिनव अरोड़ा की खूब चर्चा हो रही है। उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। कुछ वीडियो में लोग उन्हें और उनके माता पिता को गलत साबित करने में लगे हुए हैं। अभिनव के कई पुराने वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। हाल में ही कुछ दिनों पहले अभिनव अरोड़ा का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें उसे स्वामी रामभद्राचार्य फटकारते हुए नजर आ रहे हैं। उनके फटकार लगाने पर लोग उस वीडियो को शेयर कर अभिनव अरोड़ा को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे। अब उस वीडियो पर अभिनव अरोड़ा ने अपनी सफाई दी है और बताया है कि पूरा माजरा क्या था। अभिनव ने अपनी ये बात न्यूज एजेंसी ANI को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया, जिसका वीडियो ANI ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस मामले को समझने से पहले यह समझ लीजिए कि इस मामले की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल जगतगुरु रामभद्राचार्य वृंदावन में कथा सुनाने के लिए एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। मंच पर वे कथा सुना ही रहे थे कि इतने में ही अभिनव अरोड़ा उनके पास पहुंचकर डांस करने लगते हैं। जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि अभिनव मंच पर उनके पास डांस कर रहा है, तो वे उसे डांटते हुए मंच से नीचे उतारने को कहते हैं, जिसके बाद अभिनव अरोड़ा उनके पैर छूते हैं और एक कोने में जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह फिर से जगतगुरु रामभद्राचार्य के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर जय जयकार करने लगते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से जगतगुरु भड़क जाते हैं और अभिनव को फिर एक बार मंच से नीचे उतारने की आदेश देते हैं। जगतगुरु भद्राचार्य ने बताया, मूर्ख इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर लोग अभिनव को ट्रोल करने लगे। लोग कहने लगे कि अभिनव के माता पिता रील बनाने के लिए उसे मंच पर भेजकर जगतगुरु के पास नौटंकी करने के लिए बोल रहे थे। इस वीडियो के बाद एक जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का एक और वीडियो सामने आया और उस वीडियो में रामभद्राचार्य जी ने अभिनव अरोड़ा को मूर्ख कहा। उन्होंने कहा कि वह लड़का मूर्ख है, वह कहता है कि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ रहते हैं और उसके साथ खेलते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद भी लोग फिर से अभिनव अरोड़ा को ट्रोल करने लगे। वायरल वीडियो पर क्या बोले अभिनव अरोड़ा? अब इन सभी वीडियो के सामने आने के बाद इस मुद्दे पर अभिनव अरोड़ा ने अपनी सफाई दी है, जिसमें अभिनव बताते हैं कि ये सिर्फ अफवाह उड़ाई गई है, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई है। अगर देश के इतने बड़े संत जगतगुरु रामभद्राचार्य ने मुझे डांट भी दिया, तो इसे देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये तो किसी ने नहीं बताया कि जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था। लोग मुझे इतना ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि मैं स्कूल भी नहीं जा पा रहा हूँ। मेरी वजह से मेरी बहन भी स्कूल नहीं जा पा रही है। मैं सनातन धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी तो हमारे लिए भगवान के समान है।